एज यू नो यार, अमेज़फिट एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग स्मार्ट वॉचेज़ एंड स्मार्ट बैंड्स। काफ़ी अच्छे स्मार्ट बैंड्स और स्मार्ट वॉचेज़ इनकी तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। रिसेंटली अमेज़फिट ने अपने दो नए स्मार्ट वॉचेज़ को ग्लोबली लॉन्च किया है। फिलहाल ये इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। और यकीन मानिए, बहुत ही अच्छे स्मार्ट वॉच है। जिन प्राइस सेगमेंट पर स्मार्ट वॉचेज लॉन्च हुए हैं, काफ़ी अच्छी प्राइस सेगमेंट है और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इन्हीं स्मार्ट वॉचेस के बारे में। इनका नाम है अमेज़फिट GTR 2 और अमेज़फिट GTS 2। तो आज हम बात करेंगे अमेज़फिट GTR 2 के बारे में, और कल की वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़फिट GTS 2 के बारे में। तो बेसिकली जो स्मार्ट वॉच है, काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं एंड काफ़ी अच्छी प्राइस सेगमेंट पर स्मार्ट वॉच इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे इसके इंडिया लॉन्च के बारे में और इसकी प्राइस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। तो बेसिकली स्मार्ट वॉच 1.39 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, जो कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। 3D कर्व डिज़ाइन वाली डिस्प्ले होने वाली है। उसी के साथ 326 PPI हाई रेजोल्यूशन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले का। साथ ही 450 निट्स हाई ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप इसको सनलाइट में यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी इश्यू वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली है। साथ ही स्मार्ट वॉच के अंदर आपको 12 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, और जिसमें आपको आउटडोर रनिंग, वॉकिंग, इनडोर रनिंग और ये सब देखने को मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग्स, आउटडोर साइकिलिंग वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही जो इसकी डिस्प्ले है वो 9H हार्डनेस को सपोर्ट करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अनब्रेकेबल टाइप जो है वो होने वाला है। हालांकि स्क्रैच वगैरह लग सकते हैं इसके अंदर डस्ट पार्टिकल की वजह से, बट ये एक तरह से अनब्रेकेबल जो है होने वाली है। उसी के साथ साथ इसमें आपको 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट ही होने वाली है, तो 5 पानी के 50 मीटर्स नीचे तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। साथ ही स्मार्ट वॉच के अंदर आपको SpO2 का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसी के साथ 24 आवर्स का हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने को मिल जाता है। बायो ट्रैकर 2 PPG के जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, यानी कि जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग है वो एकदम रियल टाइम होने वाली है और काफ़ी अच्छी होने वाली है। साथ ही इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लूटूथ के जरिए आप फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं, और एलेक्सा का सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यार बहुत ही कमाल की बात लगी है मुझे। जिस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च हुआ है, उस प्राइस सेगमेंट पे आपको एलेक्सा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। साथ ही इसके अंदर आपको 3GB की म्यूज़िक स्टोरेज देखने को मिल जाती है, यानी कि आप 3GB तक का जो म्यूज़िक है वो स्टोर इसके अंदर कर सकते हैं। साथ ही इसके अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो 14 डेज़ का बैटरी लाइफ इसके अंदर आपको देखने को मिलता है नॉन स्टॉप, अगर आप इसे स्टैंड बाई मोड पर यूज़ करते हैं तो। इसका आपको यहाँ पे 48 आवर्स तक का मिलता है अगर आप इसमें GPS वगैरह यूज़ करते हैं तो, क्योंकि इसमें आपको GPS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर आप GPS वगैरह यूज़ करते हैं इसको तो रेगुलर अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो 48 आवर्स इसका जो है देखने को मिल जाता है, और बेसिक यूज़ अगर आप इसे करते हैं तो आपको यहाँ पे 38 डेज़ का बैकअप देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होने वाली है स्मार्ट वॉच की। अब यार बात करते हैं स्मार्ट वॉच के कुछ अदर फीचर्स के बारे में और इंडिया में कब तक ये लॉन्च होने वाला है। तो इसमें आपको स्लीप क्वालिटी मॉनिटरिंग भी देखने को मिल जाता है, हेल्थ असिस्मेंट सिस्टम देखने को मिलता है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप स्ट्रेस वगैरह में हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ट्रैक करके आपको बताएगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है और किस क्यों आप स्ट्रेस, सारा कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अब यार बात करते हैं स्मार्ट वॉच की प्राइस और इंडिया लॉन्च के बारे में कि कब ये इंडिया में लॉन्च होगी और कितनी प्राइस सेगमेंट पे इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में कि किस प्राइस सेगमेंट पे हमें देखने को मिलती है। तो जो इसकी प्राइस है वो यहाँ पे रखी गई है $179। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो ऑलमोस्ट निकल के आता है 13 to 14K के अराउंड। वैसे आपको क्या लगता है इसकी प्राइस के बारे में कि जिस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च हुई आउट ऑफ इंडिया, उस प्राइस सेगमेंट पर इंडिया में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, ये स्मार्ट वॉच आपको 12,000 के अराउंड इंडिया में देखने को मिलने वाली है, और 12,000 में ये काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच होने वाली है। इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, आप कॉलिंग वगैरह भी इससे कर सकते हैं, हालांकि 4G को सपोर्ट नहीं करता है बट फिर भी आप कॉलिंग वगैरह इससे कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट वॉच जो है वो जल्दी इंडिया के अंदर आने वाली है। अब यार बात करते हैं इसकी लॉन्च के बारे में कि कब ये इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। तो ये स्मार्ट वॉच रिसेंटली ही लॉन्च हुई है ग्लोबली और बहुत जल्द इंडिया के अंदर आने वाली है। ऑलमोस्ट विद इन 1 month ये स्मार्ट वॉच आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी, यानी कि नवंबर के एंड तक ये स्मार्ट वॉच आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। तो यार वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और यार अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक से जिन डिस्क्रिप्शन जाके आप फॉलो कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे गाइस, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय गाइस।